खबर कठुमर से। कठुमर में अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें, कठुमर उपखंड मुख्यालय पर अग्निवीर योजना के विरोध में विधायक बाबूलाल बैरवा और राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त एससी आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कठुमर खेडली द्वारा सभा और विशाल रैली निकालकर तहसीलदार कठुमर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कठुमर क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कठुमर स्थित जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की सभा आयोजित हुई। उसके उपरांत रैली के रूप में लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड से मैन बाजार होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त एससी आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा ने सभा संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए कहा कि अग्निवीर योजना का चौतरफा विरोध हो रहा है, क्योंकि अग्निवीर योजना लागू होने से 4 साल के लिए युवाओं को सेना में ठेके पर भर्ती किया जाएगा। सेना में नौकरी करने के बाद युवाओं सड़कों पर बेरोजगार घूमेगा, ना तो उसकी पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ी साजिश कर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, मोदी सरकार के वादे कहां गए। इस दौरान अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस मौके पर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल के डायरेक्टर सीएल यादव, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पा चौधरी, कैलाश मीना, पार्षद राजू जैन, राजू ठेकेदार घनश्याम शर्मा, पूर्व सरपंच प्रकाश चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।